हेलो स्टूडेंट्स, हमने मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, राइट। मेटल की सारी प्रॉपर्टी के बाद अब हम सीखेंगे नॉन मेटल्स। मेटल्स ऑलरेडी जितने भी मेटल्स थे ऑल आर इन सॉलिड स्टेट, राइट, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या था, लिक्विड स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारी मेटल्स क्या थे, सॉलिड स्टेट में। अभी नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स इन प्रीवियस चैप्टर क्लास यू हैव लर्न डेट देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स की कंपेरिजन में नॉन मेटल्स बहुत कम होते। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं या गैसेस फॉर्म में होते हैं। मेटल सारे सॉलिड थे एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड था। इसी तरह नॉन मेटल सॉलिड एंड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है। क्या है, ब्रोमीन लिक्विड है। तो डू नॉन मेटल्स ऑल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू डेट ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल को सिमिलर होती है, तो अब वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एक्टिविटी दिए कि कलेक्ट सम ऑफ द कार्बन, कॉल एंड ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 एंड 3.4 एंड 3.6 विद दिस ऑफ नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। जो हमने मेटल्स के साथ 3.1 टू 3.4 एंड 3.6 जो कंडक्टिविटी वाली थी, ये सारी एक्टिविटीज़ की है, वो सारी एक्टिविटीज़ करके हमें ये डिसाइड करना है कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल इन 3.1। अभी इसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, किसकी, नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल में अभी हमने यहाँ पे पहले तो लिया था कार्बन, तो समझो कि कार्बन एलिमेंट हमने ये टेबल है इसमें लिया, टेबल में कार्बन लिया। तो कार्बन जो होता है वो एलिमेंट में रखेंगे ये, तो उसका सिंबल क्या होता है, तो कार्बन का सिंबल सी होता है। क्या होता है, सी होता है। अभी टाइप ऑफ सरफेस, इसकी सरफेस, उसकी सरफेस मेटल की साइनी थी, पर ये सरफेस साइनी नहीं है। और हार्डनेस, तो ये हार्ड है, राइट। ये मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये इसमें नहीं होगा, राइट। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनोरिटी, तो हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से हीट भी कंडक्ट नहीं होती है। और ग्रेफाइट, कार्बन में से हीट कंडक्ट नहीं होती है। और अगर इसमें ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में कार्बन होता है, ग्रेफाइट में कंडक्शन होता है, डायमंड में नहीं होता है, ये याद रखना है। फिर सल्फर, एस, सल्फर साइनी सरफेस होता है, नहीं उसकी भी सरफेस तो नॉट साइनी, साइनी नहीं होती है, ये सॉफ्ट होता है, सल्फर सॉफ्ट होता है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी तो इसमें आएगी ही नहीं, किसी भी नॉन मेटल में मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये नहीं होता है, राइट। हीट उसमें से भी पास नहीं होती है, नो कंडक्टर, इसका भी पुअर कंडक्टर है, दोनों से हीट कंडक्ट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती है। आयोडीन लेते हैं, तो आयोडीन भी, आयोडीन साइनी होता है, आयोडीन क्या होता है, साइनी एंड सॉफ्ट, ये दोनों तो होंगे नहीं। फिर यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों कंडक्शन नहीं होता है, राइट। तो ये याद रखना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड्स इन 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। अब इसके ऊपर से जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी हमें डिस्कस करनी है। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन, एज देयर आर मैनी एक्सेप्शंस फॉर एग्जाम्पल्स। मतलब सिर्फ हम उसको प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल्स क्या है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट मेटल का कैसा होता है, हाई। कैसा होता है, हाई, राइट। तो मर्क्यूरी के सिवा सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में, इसलिए वहाँ पे ग्रुप नहीं बनता है। और उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते, बट उसमें गैलियम एंड सीजियम, ये दो मेटल ऐसी हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये दो मेटल। तो इसलिए मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से भी ग्रुप बना हो तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा कि गैलियम और सीजियम तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स, राइट। दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम।
ये जो मेटल ऐसे है दोनों, इसको अगर तुम्हारे हाथ पे रखो तो तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर से भी वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे. आयोडीन इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस मेटल. आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, मेटल नहीं है फिर भी लस्टरस है. ये आयोडीन की प्रॉपर्टी है लस्टरस, पर ये मेटल की प्रॉपर्टी है, बट ये नॉन मेटल आयोडीन में भी होती है, राइट. कार्बन इज़ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप. कार्बन इज अ नॉन मेटल. कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, बट दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. अलग अलग फॉर्म में होता है. ईच फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स. वो फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे डायमंड एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. डायमंड जो है वो भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन से ही बना हुआ होता है. इज एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, एंड उसका वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट. इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. वैसे तो नॉन मेटल्स नॉट कंडक्टर, कंडक्टर नहीं होते, फिर भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. अल्कली मेटल्स. अल्कली मतलब बेसिक. अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. ये सॉफ्ट होते पर उसको नाइफ से कट कर सकते. दे हैव लो डेंसिटीज. उसकी डेंसिटी लो होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स. एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसको ईजिली क्लासीफाई नहीं कर सकते, पर एलिमेंट्स को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लियरली क्लासीफाइड कर सकते हैं. किससे? केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, राइट. तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो एक्टिविटी 3.8 देखो. टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर. बर्न द मैग्नीशियम रिबन. कलेक्ट द एसिड्स फ्रॉम द डिजोल्व देम इन वाटर. मैग्नीशियम रिबन को लेना है, पट्टी मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेनी है, इसे उसको गर्म करना है और उसमें से एस जो राख मिलेगी उसे डिजोल्व करना है वाटर में. टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इन द बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. इसको ब्लू और लिटमस, रेड लिटमस पेपर में टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक. इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक, ये क्वेश्चन पूछा है. नाउ बर्न सल्फर पाउडर. इसके बाद सल्फर पाउडर को भी गर्म करना है. प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर एंड कलेक्ट द फ्यूम्स रिड्यूस्ड. एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड सेक टेस्ट सॉल्यूशन. अब ये जो सारे इज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और बेसिक. कैन यू राइट क्वेश्चन फॉर दिस रिएक्शंस. तो ये सारी एक्टिविटीज में क्वेश्चन. तो यहाँ पे जब सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम को हमने गर्म किया, तो मैग्नीशियम को गर्म किया तो उसमें से जो एस बनती है ना, उसमें मैग्नीशियम MgO बनता है. क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर से जब हम उसके साथ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो क्या मिलता है? बेसिक. क्या मिलता है? बेसिक. बेसिक मतलब रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? वो ब्लू कर देगा. तो वो बेसिक होता है. क्या होता है? बेसिक होता है. फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड भी उसमें ऑब्टेन होता है. जब हम उसे विच प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ सल्फर, यहाँ पे दिया था कि सल्फर को जब हम बर्न करेंगे सल्फर पाउडर को, तो हमें क्या मिलता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. क्या मिलता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है. अभी ये जो प्रोडक्ट बनती है कि प्रोडक्ट फॉर्म बर्निंग सल्फर एसिडिक या बेसिक, तो ये एसिडिक है या बेसिक है? तो ये एसिडिक होता है. ये क्या होता है? एसिडिक होता है. सल्फर डाइऑक्साइड जो बनेगा सल्फर पाउडर से वो क्या होता है? एसिडिक होता है. क्या होता है? एसिडिक होता है. एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड सेक. अभी कुछ वाटर में हिलाना है, तो टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. उसके बाद उसको ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के साथ सॉल्व करना है, तो वो एसिडिक होगा. क्या होगा? एसिडिक होगा. इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक. तो एसिडिक. कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस. अब ये रिएक्शंस के इक्वेशन तुम लिख सकते हो, तो सिंपल. Mg था मैग्नीशियम रिबन, उसको गर्म करो तो उसको O2 मिलता है, तो मिलेगा क्या? MgO सॉलिड, राइट. पर यहाँ पे उसको बैलेंस करो तो ये 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, तो ये O2 था तो ये O2 हो गए, तो ये एक इक्वेशन हो गया. फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है प्लस उसको H2O लिक्विड में हमने मिक्स किया, वाटर में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgOH
ट्वाइस, ये बेसिक हो जाएगा। ये सॉलिड मिल एन जी ट्वाइस एक्वियस, ये बेसिक हो जाएगा राइट। सबसे पहले फिर सल्फर को हमने गर्म किया तो ओ टू मिलेगा, सल्फर पाउडर को ओ टू मिक्स हो जाएगा तो एस ओ टू गैस, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड मिला था वो इक्वेशन हो गया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को भी एच टू ओ में हमने डाल दिया तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में से एच टू एस ओ थ्री, ये हो गया एसिडिक। क्या हो गया, एसिडिक। तो यहाँ जो भी प्रोसेस किए इसके चार इक्वेशंस ये बनेंगे। तो ये इक्वेशंस थे राइट। तो नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड था, वो प्रोड्यूस करता है वे डिजोल्व इन वाटर। ऑन द अदर एंड मोस्ट मेटल, मेटल मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड होता है MgO, सॉरी ये बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल ये नीचे, ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। तो यू विल लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल्स ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन, आगे दूसरे सेक्शन में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब देखेंगे राइट।